वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल ने सोमवार को स्वामित्व योजना सहित परिषद की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य राजस्व अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे डिजिटल घरौनी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कोविड या नॉन कोविड से हुए कर्मियों की मौत को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने तथा उनके देयकों के भुगतान किए जाने की अद्यतन सूचना संकलन किए जाने तथा जनपद में 5 वर्ष से अधिक लंबित धारा 24 के मामलों के निस्तारण के संबंध में चर्चा की। इस मौके पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल ने स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने सहित अन्य योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। आपको सीडीओ साहब को एडीएम साहब को मैं ये कहना हूँ कि आप कुछ गलत बता रहे हो। आपने जो रिपोर्ट फिगर करी है उसके हिसाब से आपको लोगों ने कोई आपत्ति नहीं करी है, सहमति दी। इसका मतलब हार्डली आपत्ति जो है वो बहुत कम है, बहुत कम आपत्ति है। 5300 में से 200 यानी हार्डली 4-4.5% आपत्तियाँ हैं। आप कह रहे हो 20% आपत्तियाँ हैं, तो आप लोग को लगता है बिल्कुल फील्ड में आइडिया नहीं है इसका क्वालिटी कैसी हो रही है। सब किसी किसी काम का यहाँ गलत डेटा दे रहे हो। सर किसी काम ज़्यादा आपत्ति आती, किसी में कम आती है। सर अरे भाई मैं तो एक मोटा इंप्रेशन पूछ रहा हूँ आपने होगा ना, जो ना आपके आपको तहसीलदार साहब को पता है ना ADM साहब को पता है, तो ये कैसे CRO साहब कहाँ गए हैं? CRO साहब पूरा नहीं सर, ये आपका ये अरे आप कुछ बता रहे हो मनीषा किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी, या किसी के यहाँ वारिसों में झगड़ा है, या कोई नाबालिग है जिसके बच्चे वो नहीं चाहता, अभी एप्लीकेशन ही नहीं आई। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई जेन्युइन रीजन नहीं है लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं दी। तो इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे कि बिना रीजन के स्पष्ट व्यवस्था के होते हुए भी अगर आप लोग आश्रितों को नौकरी नहीं दे रहे हैं तो देयर इज सम इंटेग्रिटी इशू इन्वॉल्व। At which level I don't know, but at this stage, sitting in the board, we have to believe that it is the collector and the ADM concerned who are responsible. And we will definitely ensure that integrity is not cleared for these officers, even despite नियम होते हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं लंबे समय तक जबकि मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल। मैं जरा कुछ जिलों के नाम लूंगा, मुझे उसका बताइए कि क्यों नहीं दिया गया। आपके पास आता हूँ दोबारा से बात करूंगा मैं चेक करके सर नहीं चेक कर मतलब अभी तक यहाँ हवाबाजी कर रहे हो आप लोग भाई। इतने दिन से बात हो रही है यहाँ पे, आप लोग क्या चाहते हो कि किस तरह से कराया जाए काम? सर इसमें ये भी नहीं मालूम कि नियम में क्या क्या प्राविधान है और आप कह रहे हो कि मैं चेक करा रहा हूँ, मैं कमेटी बना रहा हूँ, भाई मैं इंटेग्रिटी रुकवाऊंगा इसमें? सर कमेटी ऑलरेडी मैंने गठित कर दी है। अरे कमेटी क्या कमेटी है? कमेटी ये कमेटी थी उसकी कि मृतक की आर्थिक स्थिति